कोट उतारोगी? ये देखेंगे, ये हमारे खाने वगैरह सारे रेडी हो चुके हैं। ये कुक मंगाया था मामा ने, और ये बनाया जी आलू और अंडे का हलवा। बनी है ये, आप देख लें, पुलाव बने और इसमें जी रेडी हुआ ये तेल है, और इसके अंदर है ये जी है कश्मीरी चाय पिंक टी। स्टीम रोस्ट ऐसा भी इंतजार है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये जी अभी बस खाना हमने रख दिया। ये फ्रूट चाट है, ये लाओ मेरे मम्मी, ये है जी रोल। आ जाए इधर रखे मरियम, ये देखिए बच्चों को अब भूख लगी हुई है। ये आ गया जी साथ स्टीम आ गया, माशाल्लाह। और सबसे ज्यादा भूख लगी है राफे को, है राफे कहता है यस। बस अभी इंतजार की घड़ियां जो है ना खत्म होने लगी है, राफे सबसे पहले राफे को खाना मिलेगा, है ना। ये मेरा तो नया ले गया, आप ये बड़ी मिराज को दे दीजिए। ले करो ओके, और मुझे तो दिखाएंगे। मोनो की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मैं कल फिर शाम को वापस आई हूँ हॉस्पिटल, इसको लेके गई हूँ। अभी मैंने ये अंडा इसके लिए किया बॉयल, और चाय और रस लाई हूँ, लेकिन मैडम अभी कोई शौक से कुछ खा नहीं रही। शांति ये रस खाना है बस इसको ट्राई करती शायद रस खा ले। ओके ओके, मेराज और लीना तो हर गाँव में ही थे दोनों, ये हम गए थे हॉस्पिटल। हमें हॉस्पिटल गए थे शांति, डॉक्टर अंकल से दवाई ली थी ना हमने। अच्छा शांति के लिए अभी मैंने नगर सुना है, उसकी तबीयत नहीं ठीक, बुखार वगैरह वो है, और जस चिप्स भी रखी है थोड़ी सी। बस बच्चों को आपको पता है बुखार में दिल नहीं करता, अब ये भी नहीं खाएगी, लेकिन चलो कम से कम ये होता है थोड़ा सा मुंह का टेस्ट जो है ना चेंज हो जाता है। शांति मज़े के खाओ मेरा बेटा, खाओ बिस्मिल्लाह। तो जी यहाँ पे मैंने बनाए हैं सैंडविच मेकर में सैंडविच, इसके अंदर चिप्स और नगर्स डाल के और केचप लगाया, और मेरे बच्चे लाइक भी बहुत करते हैं। और अभी इसको जो मैं कट करने लगे सेंटर से, ताकि बच्चे इजीली पकड़ के जो है इसको खा सके। ये आके जी मैं अभी शांजा के पास बैठी हूँ, और जिस मैडम को भी छील छील के दे रही हूँ ये थोड़ा से क्या नाम है इसको, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए मैं नाम ही भूल गई हूँ इनका, पिस्ता बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे याद ही नहीं आ रहा। यकीन करें इसकी इतनी तबीयत ख़राब होगी शांजे की। शांजे भी ठीक हो? तो बस इसको मैं लेके घर वापस आ गई, इसको हॉस्पिटल लेके गई, इंजेक्शन लगाई शांजे को, तो अब थोड़ी बेहतर है। तो हो सकता है दो दिन बाद मैं फिर वापस जाऊँ, क्योंकि मेरी सिस्टर ने वापस जाना है इटली, तो हो सकता है फिर दो तीन दिन रहूँ। तो बस आप सब भी दुआ करें शांजे के लिए। शांजे सबको बाय बाय बोलो। हाँ जी, तो ये है कि जी सब ने शांजे के लिए बहुत सी दुआएं करनी है, अल्लाह ताला आपके बच्चों को और आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी सेहत तंदरुस्ती दे। तो आपको पता है ठंड की वजह से बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं आजकल, तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके जी, बाय बाय।